Jai Hind, and sit down. In last class, जो हम लोगों ने स्टडी किया था, हिमालय को चार पार्ट में बांट के स्टडी करा था. That one was ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय. ठीक. बट जब हम डिटेली स्टडी की बात करते हैं तो अब हम फॉल्टिंग और फोल्डिंग के हिसाब से इसको क्या करेंगे, फिर से चार पार्ट में बांट के पढ़ेंगे. ठीक है. जब हम फॉल्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है ITSZ, बोले तो इंडस सांगपो सर्टर जोन. ठीक. देन मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन, देन आफ्टर मेन बाउंड्री थ्रस्ट जोन एंड द लास्ट वन इज हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जोन. ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो फॉल्ट मीन्स क्या, रिफ्ट, और फोल्ड मीन्स अपलिफ्टमेंट. ठीक है. इसके ऊपर मतलब ITSZ के ऊपर हम ये देखते हैं कि काराकोरम और लद्दाख रेंज हमारा एग्जिस्ट करता है. ठीक है. काराकोरम और लद्दाख रेंज हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, ये याद रखिएगा. ठीक है. वो किसका हिस्सा फिर हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा हो जाएगा. मतलब वो हमारे हिमालय से पहले ही क्या हो गया था, बन चुका था. ठीक है. ये जितने फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, इन फॉल्ट्स के क्रिएशन में सिर्फ दो टाइप के फोर्स लगते हैं. पहला फोर्स टेंशन फोर्स लगता है और दूसरा आपका कौन सा फोर्स होगा, कंप्रेसिव. ठीक. कंप्रेसिव फोर्स अगर हम देखें, आप लोग जब फिजिक्स अगर पढ़ते हैं तो अंदर साइड, और जो टेंशन फोर्स लगता है, क्लियर है, इसको आपने ड्रॉ कर लिया. अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कुछ माउंटेन पीक्स की तरफ, जो आपके लिए एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी. जैसा कि आपको पता है कि ये जितनी, चाहे हम वो फ्रंटल में स्टडी किए या फिर अपने एलिवेशन के हिसाब से, इनका जो एक्सपेंशन है वो दो सिंटैक्शियल बेंट के बीच में है, या फिर ये कहें कि फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा 2400 किलोमीटर की ये डिस्टेंस को कवर करता है. ठीक. और इन वेस्टर्न साइड, इन द कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न, हम ये देखते हैं कि इसकी विड्थ क्या है, बड़ी है, और जैसे आगे जाता है वो कम हो जाता है. एक एवरेज अगर हम विड्थ लेके चले तो इन वेस्टर्न साइड 400 किलोमीटर एंड इन ईस्टर्न साइड 142-150 किलोमीटर ये कहा जाता है. कभी कभी आगे और जाएंगे तो और भी वो क्या होगा, कम हो जाएगा. हम अपने हिमालय को दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, नदन हिमालय एंड पूर्वांचल. ठीक. या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिली टेरेन. और यही पूर्वांचल हिल्स आपके नीचे लुशाई हिल्स होते हुए क्या अराकानयोमा में मिल जाती है, और वही अराकानयोमा हमारा अंडमान तक क्या होता है, फैला हुआ है. ठीक. जब हम माउंटेन हिल्स की बात करें या फिर माउंटेन पीक्स की बात करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास माउंटेन पीक्स है, उनमें से कुछ, जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं कि इन इंडिया द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, तो हम लोग सीधे बोलते हैं K2 गार्डविन. ठीक. बट गार्डविन ऑस्टिन की जब हम बात करें तो इट्स डिस्प्यूटेड. ये POK में एग्जिस्ट करता, POK नहीं, गिलगित बटालिस्तान में एग्जिस्ट करता, POK इज दिस वन. ठीक है. भले उसको हम लोग पूरा POK बोलते हैं, बट ये जो हिस्सा है गिलगित और बटालिस्तान का है. ठीक. आपका K2 गार्डविन से जस्ट ऊपर अगर देखें तो माउंट राकापोसी एग्जिस्ट करता है. मतलब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, माउंट राकापोसी, देन K2, गशेर ब्रह्म. गशेर ब्रह्म के नीचे जस्ट आप आएंगे तो मसेर ब्रह्म 1 और 2 भी एग्जिस्ट करता है, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट लेफ्ट साइड, या फिर ये कहें कि डाउन ऑफ राकापोसी हम देखते हैं, यहां पे एग्जिस्ट करता है आपका नंगा पर्वत. ठीक. और इसके ठीक नीचे अब आएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा नुनकुन. J&K में यही आपके पास इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है जिनका एलिवेशन 6000+ है. ठीक. इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं कहां पे, धौलाधार रेंज, जो कि आपका हिमाचल और उत्तराखंड में क्या हुआ है, फैला हुआ है. उत्तराखंड में तीन आपके पास माउंटेन पीक्स एग्जिस्ट करेंगे, जो सीक्वेंस में आप लगाइएगा. और हाँ, ये सीक्वेंस भी भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि अगर आता है तो कैसा आएगा. अगर J&K से पूछा
तो यहां पे ऑलरेडी 5 चीजें हैं, ठीक। और सिर्फ यहां माउंटेन पिक करके वो एबीसीडी या 1 2 3 करेगा और फिर बोलेगा कि ठीक है मैच द फॉलोइंग, और जो आपका जो कोड सही है उसको सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पे क्वेश्चन बनाए तो हमने इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया और इसको 3 कर दिया, ठीक। और जो ऑप्शंस फिर रहेंगे आप तो जानते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ही रहेंगे, ए बी सी डी करके ऐसे कुछ ऊपर ही रहेगा ऊपरी पोर्शन में, और नीचे क्या दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, ठीक। अगर हम नाम अगर देना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम K2 दे दिए, राका पोशी दे दिए, नुनकुन को टाइट, यस नुनकुन को भी किया मैंने, नुनकुन दे दिया, और एक हमने इधर नंगा पर्वत दे दिया, ठीक। ये तो मान लीजिए मैंने ऑप्शन गलत कर दिया जानबूझ के, बट वहां पे ऑप्शंस भी आपके सही रहेंगे बशर्ते द डायरेक्शन द एग्जैक्ट लोकेशन कि वो अपर पार्ट में है कि लोअर पार्ट में है, ठीक है। और इसी टाइप में आपके पासेस भी आते हैं, वो भी पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे। इस समय का जो ट्रेंड है वो बता दे रहे हैं, चाहे वो आप CDSE को लेकर चलिए या फिर CAPF को लेकर चलिए, दोनों में सेम सा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड आएगा ही आएगा, ठीक। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ना ना ना, K2 गार्डविन ऑस्टिन इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बट एग्जिस्ट इन डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक। बोले तो गिलगित बल्तिस्तान में है एंड करेंटली इट दिस एरिया अकर्ड बाई पाकिस्तान, ठीक। बट हमारी ज्योग्राफी है तो अगर हम अपनी ज्योग्राफी की बात करते हैं, इंटायर इंडिया की बात करते हैं, देन ठीक। बट जब बात आती है अनडिस्प्यूटेड, देन यू हैव कंचनजंगा इन सिक्किम, ठीक है। बट जब पूरे इंडियन ज्योग्राफी की बात होगी या फिर पूरे इंडिया की बात होगी तो आप सीधे पहले K2 पे ही जाएंगे, ठीक है। और अगर K2 और कंचनजंगा दोनों वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको K2 ही सही मानना है, न कि कंचनजंगा, क्लियर रहेगा। चलिए जब आप उत्तराखंड में आते हैं तो 3 एक लाइन से मिलता है। सबसे पहले मिलता है आपका कामेट, देन त्रिशूल, और तीसरा आपका है नंदा देवी, ठीक। इसी सीक्वेंस में नेपाल वाले भी जो माउंटेन पीक्स हैं इनसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, क्योंकि हाईएस्ट एलिवेशन उन्हीं के हमारे पास है और उनको लेके आज से नहीं बहुत पहले से क्वेश्चन बनता रहा है और अभी भी बनेगा ही, ऐसा नहीं कि वहां से उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो यहां पे स्टार्ट होता है आपका, अच्छा इस रेंज में अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि यहां पे आपका धौलाधार रेंज है, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि धौलाधार एंड धौलागिरी, धौलाधार रेंज एग्जिस्ट इन इंडिया बट धौलागिरी माउंटेन पीक एग्जिस्ट इन अलोकेटेड इन नेपाल। तो नेपाल में जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा आपका, धौलागिरी। धौलागिरी से लेके आप मनसालू तक इसके सीक्वेंस को क्लियर रखेंगे। आफ्टर धौलागिरी हम ये देखेंगे कि आएगा उसके बाद अन्नपूर्णा, आफ्टर अन्नपूर्णा गणेश, देन गौरी शंकर के बाद आता है आपका चोयू एंड देन हाईएस्ट वन माउंट एवरेस्ट, ठीक। ना ना ना, अरे यार यहां से बाउंड्री नहीं दिख रही है बच्चा। गौरीशंकर के बाद आपका मकालू, देन चोयू द हाईएस्ट वन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद सीधे पहुंच जाएंगे आप मनसालू पे, ठीक। हालांकि इसके बीच में एक और पड़ता है जो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे लोत्से, ठीक।
इसको भी लेकर चलते हैं लोथ से मनसालू और हमारा इंडिया में फिर आ जाएगा आपका कंचनजंगा। ये हमारे लाइन्स है, हमारे सीक्वेंस है। वेयर गौरी शंकर, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, ये मकालू ऊपर साइड, चोयू। जैसे ही एटलस खोलोगे सीधे मिलेगा ये लाइन से सीक्वेंस है। ये तो बस तुमको हम यहां पे दिखा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और हाँ, अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज मैप को कंसिडर किया करिए। सिर्फ इसके लिए नहीं, हर चैप्टर के लिए आपके पास फिजिकल मैप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। क्योंकि सिर्फ इसी क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, शेडिंग तो आपके मिनरल से भी आता है। अब तो यहाँ मिनरल्स कौन पाया जा रहा है, सॉयल से क्वेश्चन बनता है तो भी वहां कर रहा है ना। को ड्रॉ तुरंत करिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया पीछे हटाए। ये तो बात हो गई हमारी हिमालय की। अब हम बात करते हैं अपने पूर्वांचल हिल्स की, कि हमारे पूर्वांचल हिल्स में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक। तो पूर्वांचल हिल्स में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, हाँ, डाफला। हमें तो लगता है कि सबसे पहले आसाम वाला आता है। आसाम में कौन कौन से हिल्स है, पटकई बम बच्चा नागालैंड में है। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, गारो, देन खासी, देन जयंतिया, असम मेघालय वाला हिस्सा, उसको तुम ब्रह्मपुत्रा वैली ही कहोगे ना। स्टार्ट अगर देखा जाए तो पूर्वांचल हिल्स आपकी यहीं से हो जाती है, गारो हिल्स, देन खासी हिल्स, देन जयंतिया हिल्स। गारो खासो की एक खासियत है, दोनों के पास दो दो हिल्स हैं, ईस्ट गारो, वेस्ट गारो, देन ईस्ट खासी एंड वेस्ट खासी। जयंतिया सिर्फ एक है। और जो आप देखते हैं कि मौसिनराम या मेघालय में जो कंटिन्यूसली बारिश होती है या फिर सबसे ज़्यादा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से होती है। क्योंकि जो भी क्लाउड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं वो सर्कलिक फॉर्म में यहीं पे क्या होते हैं, फंस के रह जाते हैं, ठीक। और जैसा कि आप लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल तो पढ़ा ही होगा, एंड ड्यू टू ऑरोग्राफिक रेनफॉल इस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। गारो खासी जयंतिया के बाद सबसे पहले आता है आपका मिकीर हिल्स। मिकीर हिल्स से जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो आप बरैल रेंज पाएंगे। मिकीर के बाद जस्ट बरैल, यहीं पे आपका ब्रह्मपुत्रा वैली वाला एरिया क्या होता है, खत्म होता है। फिर आप सीधे कहां जाते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश में जो स्टार्ट होता है डाफला से लेके आपका मिशमी तक, ठीक। सबसे पहले आता है आपका डाफला, देन मेरी, देन अबोर, द लास्ट वन इज हियर, डाफला देन नीचे जैसा ही आते हैं आप नागालैंड में, यहां पे एग्जिस्ट करता है आपका पटगाईबुम, देन नागा हिल्स, थोड़ा सा और आएंगे मिकीर ऑलरेडी है यार, यहां पे आपका आ जाएगा मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स, इधर आओगे मिजोरम साइड जिसको हम मिजो हिल्स भी कहते हैं या फिर लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ठीक। नाउ हियर लुसाई हिल्स ऑब्लिक मिजो हिल्स, यही लुशाई हिल्स हमारा नीचे स्ट्रेच करके क्या बना देगा, जो कि म्यांमार और अब तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड तक क्या हुआ, फैला हुआ, ठीक। इन चीजों को छोड़ के हमारे इंडिया में कुछ सीरीज पाई जाई जाती है, सीरीज बोले तो द चेन वेयर वी फाउंड मिनरल्स, जैसे फोल्डिंग फॉल्डिंग है वैसे ही हमारे पास सीरीज भी है। और हाँ, फॉल्डिंग को छोड़ के जो चार फॉल्डिंग आपने ऊपर पढ़ा, इसके अलावा भी हमारे पास दो फॉल्टिंग एग्जिस्ट करती हैं। वो दो फॉल्टिंग पहली आपकी है आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो कि विंध्य और अरावली को क्या करती है, अलग करती है, बोले तो द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक। और दूसरा है आपका दाउकी फॉल्ट, दाउकी फॉल्ट एग्जिस्ट करता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, शिलोंग प्लेट्यू को ये अलग करता है किससे, द प्लेन ऑफ बांग्लादेश, ठीक। तो दो फॉल्ट और कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के अलावा एक और फॉल्ट आप लिख लीजिएगा, दाउकी फॉल्ट विच एग्जिस्ट हियर, ये सेपरेट किसको करेगा, आपका शिलोंग प्लेटू और ठीक और द प्लेन ऑफ बांग्लादेश, इसको शिलोंग प्लेटू की जगह अगर कहीं आ जाता है कि डेक्कन प्लेटू तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डेक्कन प्लेटू का ही आपका शिलोंग प्लेटू हिस्सा है। तो अगर फंसाने के लिए अगर बोले कि दाउकी कि दाउकी के बारे में पूछे और ये ऑप्शन रहे कि ये डेक्कन प्लेटू को इससे बांग्लादेश के उससे अलग करता है, तो ये दिमाग मत लगाना डेक्कन नीचे की बात कर रहा है, डेक्कन मीन्स वो टोटल डेक्कन की बात कर रहा है, ठीक है। और यहां पे आपका जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जो कि विंध्य और अरावली को क्या करेगा, सेपरेट करेगा, क्लियर है। और ठीक इसी तरीके से हमारे भारतवर्ष में सीरीज फैले हुए हैं, जैसे ओडिशा में तालचेर सीरीज है, ठीक, आपके नीचे कर्नाटका साइड चैंपियन सीरीज है जिसमें गोल्ड वगैरह पाया जाता है, ठीक, आपके मध्य प्रदेश में क्लोज पेट है, ठीक, ऐसे ही आपका उधर उसको उसको तो प्लेटू है वो, बट उसी में सीरीज पाए जाते हैं मिनरल्स, स्पेशली मिनरल वाला एरिया, ठीक। जैसे वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में एक हिल्स तो राजमहल है, बट वहां पे पांचेट सीरीज पाई जाती है, और उस पांचेट सीरीज में हम देखते हैं कोयला का खदान सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो उनको हम सीरीज डिक्लेयर किए हैं जिनका हमारा इकोनॉमिक रिलेवेंस है, या फिर ये कहें कि इससे भी क्वेश्चन आपके आते रहे वो भी शेडिंग करके, हालांकि सेडिंग ज्यादा आपको मिलेगी नहीं उस तरीके से, बट अगर याद रखें कि हाँ ये इस स्टेट में है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि इसकी बात कर रहा है, सीरीज ही है, और उसका नाम भी दिया गया अच्छा खासा चैंपियन, धारवाड़ श्रृंखला का है, और वहाँ पे अगर गोल्ड इजिली अवेलेबल है, वैसे हमारे यहाँ सिर्फ वहीं पाया जाता है, और थोड़ा बहुत सोनपुर, सोन नदी में, बट वो बालू से निकलता है तो बहुत कम निकलता है, वो तो उधर तुम्हारा हीरा निकलेगा गोलकुंडा। चलिए ठीक, एक हेडिंग डालिएगा, सीरीज, सीरीज एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें,
सीरीज इज अ स्ट्रक्चर, सीरीज इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक सिस्टम, ऑफ रॉक सिस्टम विद एबिडेंस ऑफ, विद एबिडेंस ऑफ मिनरल्स, विद एविडेंस ऑफ मिनरल्स। दो कॉलम बनाइएगा, एक तरफ सीरीज दूसरी तरफ स्टेट। एक तरफ लिखिए सीरीज एंड दूसरी तरफ लिखिएगा स्टेट। फर्स्ट वन प्रिजवार सीरीज, प्रिजवार, PRIJWAR, प्रिजवार। आगे लिखिएगा इधर स्टेट में बिंध्यन रेंज मध्य प्रदेश, बिंध्यन रेंज मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट वन चंपानेर, चंपानेर। नेक्स्ट यानी कि इस साइड अरावली गुजरात, वडोदरा वाले में है। चंपानेर एग्जिस्ट इन अरावली रेंज, स्पेशली इन गुजरात वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जब माउंटेन की बात ही हो रही है तो बेसिकली अरावली का जो पहले फैलाव था बच्चा वो तुम्हारा गुजरात से लेकर हरिद्वार तक था। रायसीना हिल तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना, बट जब अपने समय में होगा, यंगर एज में होगा, तो उस समय इसका जो फैलाव था सीधे सीधे कहाँ तक था, गुजरात से लेकर सीधे वो हरिद्वार तक फैला हुआ था। एंड ड्यू टू इरोजनल लैंडफॉर्म्स, या फिर ये कहें कि ड्यू टू रनिंग वाटर्स, जो हम ये देख रहे हैं कि आज वहाँ पे प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्लेन कभी था नहीं, वो सिर्फ नदियों ने क्या किया, उसको काट के या फिर अपरदन से उसको बना दिया। ठीक, क्लियर है? चलिए अगला, चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज, धारवाड़ सिस्टम कर्नाटका, धारवाड़ सिस्टम कर्नाटका। नेक्स्ट क्लोज पेट, क्लोज पेट, CLOSEPET, क्लोज पेट एंड चिल्पी, CHILPI एंड चिल्पी, बोथ एग्जिस्ट इन मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दामुदा, यस DAMUDA, दामुदा। कोई है झारखंड का? होता तो खुद बता देता कि झारखंड मेरे यहां है। झारखंड, दामुदा झारखंड। पांचेट वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। नेक्स्ट वन रायलो, रायलो RIOLO, रायलो, NCR, NCR इन ब्रैकेट अलवर। ये वही क्षेत्र है जहां पे आपका मकराना एग्जिस्ट करता है, जहां से मार्बल निकलता है। ठीक, राजस्थान वाला एरिया, ये वो क्षेत्र है। अगला लिखिएगा तालचेर, TALCHER, तालचेर, उड़ीसा। देन आयरन सीरीज, आयरन, आयरन सीरीज अगेन इन उड़ीसा। नेक्स्ट एंड लास्ट कालडेगी, कालडेगी, KALDEGI, कालडेगी, नदन कर्नाटका, नदन कर्नाटका। एंड देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट यस पासेस, पासेस क्या होते हैं, द वेज रेकमेंडेड टू माउंटेन,
यस द नेचुरल पैसेज बिटवीन टू ठीक, जो प्रकृति ने खुद ही रास्ता बना दिया उसी को हम लोग पासेज या दर्रा डिक्लेयर करते हैं। ठीक, पासेज एक से ज्यादा देशों को भी जोड़ते हैं, दो जगहों को भी जोड़ते हैं और दो स्टेट को भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये पासेज सिर्फ और सिर्फ आपके हिमालय में भी एग्जिस्ट करेंगे, ये पासेज आपके राजस्थान में भी एग्जिस्ट करते हैं। आई मीन कि पासेज होने के लिए हिल्स का होना जरूरी है। ठीक, पासेज हमेशा हिली टेरेन में ही पाए जाएंगे। जैसे अगर हम नीचे की बात करते हैं तो आपके हल्दी घाटी भी है, वो भी एक पास है। नीचे महाराष्ट्र में आपका भोर घाट, थाल घाट, मालसेज घाट, नीचे केरला साइड पाल घाट। ठीक, बट जो पासेज हम लोग स्टडी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके जे एंड के से आते हैं या फिर आपके अरुणाचल साइड से आते हैं। ठीक, उत्तराखंड तो मान लो ही ना कंटिन्यूसली है, माना नीतू लिपलेख तो वो तो आप सब लगभग लोगों को याद ही रहता है। बट जो फंसाता है वो फंसाता है आपका वेस्टर्न आई मीन कि जे एंड के में। और इस समय जो ट्रेंड चला है आपका अरुणाचल के लिए ट्रेंड चला हुआ है। अरुणाचल से उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं और पूछते हैं कि किन किन राज्यों को आई मीन किन किन नेशन स्टेट को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, कभी कभी ट्राई जंक्शंस के बारे में भी पूछता है। जैसे कई सारे ऐसे आई मीन कि आपको पासेज मिलेंगे जो तीन जगह को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे सबसे पहला ये अगर देखें हमारे जे एंड के में मिनटेक पास एग्जिस्ट करता है आपका ऊपर साइड में, बोले तो द प्लेस वेयर के टू एग्जिस्ट। और मिनटेक अगर देखें तो ट्राई जंक्शन है बिटवीन अफगानिस्तान, इंडिया एंड टिबेट। ठीक, क्लियर रहेगा। सो मेक अगेन अ हेडिंग पासेज ऑफ इंडिया, पासेज ऑफ इंडिया, एंड फिर से दो कॉलम बनाइएगा पासेज एंड प्लेस। और जो दूसरा आपका बनेगा कॉलम प्लेस, प्लेसेस वेयर दिस पासेस आई मीन की द प्लेस जॉइन टू बहुत क्या कह सकते हैं उसे यार, प्लेसेस विच कनेक्टेड बाई दिस पासेज। ये करो, द फर्स्ट वन इज मिनटेक पास, मिनटेक MINTAKA मिनटेक आगे लिखिएगा। वैसे सबसे अच्छा वो हेडिंग होगा कंजंक्शन लिखना, उसको प्लेसेस मत लिखो, कंजंक्शन, बोले तो दो जगह को जो जोड़ रहा है उसमें लिखिएगा इट्स ट्राई जंक्शन, इट्स ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया इन ब्रैकेट कश्मीर, इंडिया इन ब्रैकेट कश्मीर, तिब्बत एंड अफगानिस्तान, तिब्बत एंड अफगानिस्तान। सेकेंड वन पार्पिक, PARPIK, सेकेंड वन इज पार्पिक, कंजंक्शन में लिखिएगा कश्मीर एंड तिब्बत। नेक्स्ट वन प्लेस कनेक्टेड में कश्मीर एंड तिब्बत। द नेक्स्ट वन खुंजारेब, खुंजारेब KHUNGERAB खुंजारेब, सेम कश्मीर एंड तिब्बत। नाउ द नेक्स्ट वन अगहिल पास, AGHIL अगहिल पास, इट कनेक्ट अगहिल, AGHIL इट कनेक्ट लद्दाख एंड जिंगजियांग प्रोविंस इन ब्रैकेट तिब्बत, जिंगजियांग XINJIANG जिंगजियांग प्रोविंस। नेक्स्ट वन बानीहाल, बानीहाल इस बानीहाल में ये हमारा जवाहर टनल एग्जिस्ट करता है। बानीहाल में लिख लेना जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे थोड़ा रोक दो। अब इनकी लोकेशन ले लेते हैं, लिखो जरा जो लिखे हो। सबसे ऊपर हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या है मिनटेक, जो कि आपका इजिली गिलगित बटालिस्तान, देन आपका तिब्बत और अफगानिस्तान को क्या कर रहा है जोड़ेगा। ठीक, आफ्टर दैट इन लोअर साइड पार्पिक,
ठीक। इसके बाद आपका आ जाएगा खुंजारे, अगहिल जैसे ही आप आएंगे सीधे आपका कश्मीर से हटके कहां चला जाएगा, लद्दाख साइड। ठीक, अगहिल के बाद आपका आ रहा है बानीहाल, जो कि आपका बीच में एग्जिस्ट कर रहा है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने के लिए। ठीक है, यहीं पे आपका जवाहर टनल भी एग्जिस्ट करता है और इस समय एक रेलवे लाइन भी इसी पास के थ्रू क्लियर हुई है, जो कि आपका कश्मीर में क्या करता है, रेलवे को कंटिन्यू करता है। ठीक, अगली क्लास जो भी बचा हुआ है उसको कवर कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं।